राजा की फीलिंग ऑलवेज होती है या कभी कभी होती है? हाँ जैसे कोई कोई जिसको भी तो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है, सारा मदार याद की यात्रा पर है। अच्छा प्रश्न है, जैसे बाघ की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? देखो, टुवर्ड्स सत्व प्रधानता एंड टुवर्ड्स कंप्लीट डेटी स्टेज, बाबा हमको नहीं चाह रहे। 100% सत्व प्रधान अवस्था। तो बाबा की कशिश क्यों होती है, और फिर इसलिए किन बच्चों को बाबा की, किन बच्चों को बाप जैसे कशिश औरों को हो, कशिश पुल दीदी, जो बच्चे जो फूल बने हैं। जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो वो सबको कशिश करते हैं ना। तो वो सबको कशिश करते हैं ना, ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी, विकारों का पता नहीं है। तो इस तरह से इनोसेंट, तुम्हारे में विकारों का कोई भी कांटा नहीं होना चाहिए, तुम्हारे में विकारों का तो क्या क्या चाहिए? जब तुम फूल अर्थात पवित्र बन जाएंगे, और सेकंड, कोई भी विकारों का कांटा नहीं हो तुम्हारे में, तब फिर ये बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। जी रूहानी बच्चे जानते कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो ना, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, भविष्य का फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो बैठे बैठे यह विचार आते हैं ना, बाबा कह रहे हैं स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, तो जो दर्जा पढ़ते हैं वो जरूर बुद्धि में होगा ना कि मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। कॉलेज में एडमिशन लेने के पहले से ही, जब से वो एम रखते हैं, एम्बिशन रखते हैं, वो समय से चलता है मैं ये बनूंगा, और फिर उस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, उसके बाद तो फिर लॉयर है, डॉक्टर है। तो हमारी जैसे ही हमने कोर्स किया, देवता बनने की पढ़ाई, तो अब तो कंफर्म हो गया ना। उस समय तो शायद हम नहीं सोचते थे जब कोर्स करते हैं कि देवता बनेंगे, नहीं मतलब मेडिटेशन के लिए आते हैं। तो बाबा कहते हैं, वैसे तुम जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो विष्णु डायनेस्टी में जाएंगे, विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण, देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है, और कोई मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होगी, तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, यहां बैठे हो तो सत बाबा, यहां बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता है, उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं और यह नॉलेज देते हैं। जैसे कि कल की बात सुनाते हैं, यहां बैठे हो तो यह तो याद होगा ना कि हम आए हैं किस लिए, रिजुविनेट होने। यहां बैठे हो यह याद है, रिजुविनेट होने आते। वैसे भी मुरली सुनते तो क्या कहते, रिचार्ज हो गए, रिजुविनेट हो गए। आई थिंक सो रिजुविनेट वर्ड बहुत ज्यादा अच्छा है रिचार्ज से।
रिचार्जिंग है। तो बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें हैं, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। जैसे उनके संग में बैठे हैं शिवा भाई रचता है, आत्मा कहती ना कि हमारा तमो प्रधान पुराना शरीर है, हम रिजुविनेट होने अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेंगे। ये एक्यूरेट वर्ड है, रिजुविनेट मतलब ये शरीर बदल फिर देवता शरीर लेंगे। अच्छा, हम जो पढ़ते सो भविष्य नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो उनको सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं, भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। और कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं है, दूसरे को तुम्हारी बुद्धि में जब अब आता है ना कि ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक बनेंगे, ये आता है ना कि लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक बनेंगे, तो जरूर फिर रिपीट होगा नई दुनिया के मालिक थे। तो बाप समझाते हैं, तुमको पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं, देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे, दैवी राजधानी होती है ना, तुम्हारा सारा दिन यही ख्याल चलता होगा कि हम आत्मा है। आज ये बात फोकस करना है, देखो कितनी बार बाबा ने कहा, बस जैसे जैसे हम आत्मा की फीलिंग आएगी ना, फूल बनते जाएंगे, इनोसेंस होते जाएंगे, इनोसेंट। ये देह में आने से थोड़ा जो भी इनोसेंट हमारी लॉस्ट हो गई है। बाबा कहते यहाँ बैठे तो जानते ना कि हम आत्मा है, हमारी आत्मा जो बहुत पतित थी सो पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है, आत्मा याद करती है अपने स्वीट होम को। बाप खुद कहते बच्चे मुझे याद करने से तुम सत्व प्रधान बन जाएंगे, सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाप जरूर पूछेंगे ना कि बच्चे कितना समय याद करते हो, याद करने में ही माया की लड़ाई होती है, विघ्न डालती है। ज्ञान में इतना विघ्न नहीं होता है जितना याद में विघ्न होता है, और याद से विघ्न निकलने हैं। याद के विघ्न कौन से, कोई कोई संकल्प आते हैं याद करते, व्यर्थ संकल्प, और नहीं, अरे दूध उबल रहा है, मतलब बेशक जरूरी बात है, वो भी रॉयल विघ्न है। चाहे उसको हम कहेंगे बाबा की टचिंग आई अच्छा हुआ, उस समय दूध उबलने ही वाला था या वो जलने वाला था, मुझे उस समय टचिंग आ गई है, बट विघ्न है, मतलब ठीक है टचिंग भी हो पर वो फिर एक्यूरेसी भी चाहिए। कर्म में एक्यूरेसी होगी तो याद भी है, क्योंकि कर्म के समय भूल गए थे तो फिर याद के समय तब याद आया। दीदी मतलब आत्मा याद करती है अपने स्वीट होम को, मतलब आत्मा को इंटरनली अपना स्वीट होम को याद करने की कोशिश करती है। अब तो ना उठा ले भगवान, उनको स्वीट होम नहीं पता है, नॉर्मल कहते भगवान अब उठा ले यहाँ से, जो हम कहते ना क्यों कहते, आत्मा को इंटरनली कोशिश रहती है। हाँ नेचुरल है, घर का तो हो गई कशिश, पता नहीं है लेकिन हाँ, घर पता है ना पिता पता है, है। लेकिन है ना अट्रैक्शन होगा तभी तो कहते हैं, इसलिए वो जगह का नहीं पता है, किसको को है वो भी नहीं पता, पर ये तो पता है पिता है। सारा मदार याद की यात्रा पर है, तुम खुद समझते हो यात्रा नहीं, परंतु जैसे कि ये पहले तो बाबा ने कह दिया याद की यात्रा, फिर कहते तुम खुद समझते हो ये यात्रा नहीं है परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने से ही माया विघ्न डालती है अर्थात याद भुला देती है। कहते भी है बाबा हमको आपकी याद में रहने में माया के तूफान बहुत लगते हैं। नंबर वन तूफान है देह अभिमान का, फिर है काम क्रोध लोभ मोह का। आज काम का तूफान आया, कल क्रोध का तूफान आया, लोभ का तूफान आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही
कोई भी तूफान नहीं आया। याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी। वैसे जिसका समेटा हुआ होगा ना बुद्धि से, फिजिकली नहीं, फिजिकली तो खैर सेवाओं में भी विस्तार हो रहा है, बुद्धि से समेटा हुआ होगा वो याद में स्थिर रह सकता है, विघ्न नहीं। बहुत बिखरी हुई बुद्धि, और बुद्धि डिजायर्स और एक्सपेक्टेशन में बहुत, डिजायर्स में बहुत बिखरती है, तो फिर उसको समेटना मुश्किल होता है, वो सब याद में विघ्न डालते हैं। मतलब एक माइलस्टोन्स होते हैं लाइफ के, लोग जो अलौकिक में करते हैं, ये हो जाएगा, फिर ये करूंगा, फिर इसके साथ शादी हो जाएगी, फिर बच्चे, मतलब कई माइलस्टोन्स ऐसे करे हो गए, बिजनेस इतना होना चाहिए, आज नहीं है, कल वापस वैसा ही बिजनेस, मतलब पहले बिजनेस था तब प्रॉब्लम थी कि भाई टाइम ही नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसा है, अगर वो चीज नहीं है तो वापस उसको रीगेन करने में फिर वो दूसरा संकल्प विकल्प चले होता है। तो ये माइलस्टोन्स जो फिजिकल बना लेते हैं वो भी बिखरी हुई बुद्धि है, वो याद नहीं करने देते। फिर हम क्या करते हैं, याद करते बाबा को, लेकिन वो माइलस्टोन को रीच करने के लिए, स्वयं की जो देवता बनने के लिए याद नहीं कर रहे, सत्व प्रधान अवस्था के लिए मतलब कम याद होती है, मुझे ऐसा लगता है, कैसे, ठीक है ना। इसलिए पुरुषार्थ करना है, संकल्प रखना है कि ये बनेंगे, ये बनना है, पढ़ाई है, बट मेरा अंदर का जो मेन संकल्प रहेगा वो सत्व प्रधान अवस्था। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में सारा दिन रहे, बड़ी खुशी थी, बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं, बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे ये भी समझते हो कि माया से हार खाते खाते कहां तक आकर पहुंचे हैं, बच्चे हिसाब निकालते हैं कल्प में कितने मास कितने दिन है, बुद्धि में आता है ना, अगर कोई कहे लाखों वर्ष है तो फिर भी, तो फिर कोई हिसाब थोड़ी कर सके। बाप समझाते हैं इस सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में आते हैं, डिनास्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना। कोई भी इवेंट हो जाता है, एक्चुअली हम सोच रहे थे कल योग में भी कि गया ना, हम सोचते ये करेंगे ये करेंगे, यो ये इवेंट है, 9 महीने हो गए, वो सब बातें पास्ट की हो गई, ऐसे होता था ये होता था, लेकिन उस समय हमने कितने हिसाब किताब कर लिया होता है, उस परिस्थिति में कभी जोर से बोल दिया, कभी कुछ कर दिया, मतलब अब तो कुछ नहीं है ना वो वाली बात। तो हर जो कल 18 जनवरी चली गई, पुरुषार्थ किया तो ठीक, नहीं किया तो वो बातें तो याद रह जाएगी उस समय तो, लेकिन स्थिति खराब कर देते हैं, ये तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने कोई इवेंट में या कोई चली गई। तो दिन प्रतिदिन चली जाती, हिसाब किताब इकट्ठी होती रहती है, और वो मतलब एक्चुअल स्थिति पे फोकस नहीं होता। बाबा यही कहते हैं कि देखो कैसे, हाँ ये बिल्कुल नई बातें हैं, अगर कोई कहे लाखों वर्ष है, हिसाब थोड़ी कर सकते हैं, सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसे डिनास्टी में जाते हैं, ये तो जानते हो ना, ये बिल्कुल नई बातें हैं, नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। तुम कहेंगे हम अभी मनुष्य है, देवता बन रहे हैं, देवता पद है उच्च, तुम बच्चे जानते हो सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं, हमको पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है, उनको ये साकार चित्र नहीं है, वो है ही निराकार। तो ड्रामा में देखो कैसा अच्छा पार्ट रखा हुआ है। अच्छा बाप पढ़ाए कैसे, तो खुद बतलाते हैं, मैं फलाने तन में आता हूं, किस तन में आता हूं वो भी बतलाते हैं, मुकरर तन है, मनुष्य सब पूछते हैं क्या एक ही तन में आएगा, हर कल्प चेंज होता रहेगा तो हर तन भी तो डिफरेंट होगा ना, फिर नहीं
चॉइसेस होगी फिर। कई पूछते कि हमेशा वही रिपीट होगा, इसका मतलब फिर वो वही नेगेटिव बात फिर वो भी रिपीट होगी। अच्छा ठीक है, आपकी नेगेटिव बात तो रिपीट नहीं हो, इसलिए कल्प में नेक्स्ट कल्प में चेंज होगा, लेकिन फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना बाबा को। क्या क्या नहीं चेंज करना पड़ेगा? तन भी तो बाबा का चेंज करना पड़ेगा। आपको चाहिए किसी ब्रह्मा बाबा के अलावा और कोई तन में बाबा आए? किसी की इच्छा है कि कोई मेरे तन का लेना बाबा आधार? मतलब बहुत सारे है ना, रिपीट ही करना है तो ठीक है। सवाल होगा कि इनके तन में क्यों आए? हाँ फिर वो सवाल होगा। आज भी होता है। हाँ आज भी होता है, जानकी दादी के क्यों नहीं आया, उनके क्यों नहीं आया? तो बाबा कहते इसलिए बाबा ने एक मुकरण कर दिया। तो इसमें चेंज हो नहीं सकती, ये बातें तुम ही सुनते हो और धारण करते हो और सुनाते हो। कैसे हमको शुभ पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है ना, आत्मा ही सीखती है सिखलाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है, हम आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत 84 जन्मों की नॉलेज ले रही है। नॉलेज कौन लेती है? आत्मा। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज में, न कि विनाशी चीज में। मोह अलाउड है, कहाँ अलाउड है? शुद्ध मोह बोलते हैं बाबा। अविनाशी चीज में मोह रखो। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए हो, अभी समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी आज प्रैक्टिस करनी है, कितनी बार हो गई आत्मा वर्ड? फोर्थ टाइम आ गया, याद है ना? तो प्रैक्टिस करो। और कल भी बाबा ने कहा स्वराज्य अधिकारी करावन हार। कौन सी आत्मा हो? हाँ कौन सी आत्मा हो ये? मैं करावन हार हूँ, मैं राजा हूँ। राजा कल कुछ संकल्प आया खाने का, मैंने कहा मैं राजा हूँ, नहीं खाना। मुझे भी आया, फिर मैंने कुछ सोचा राजा मैंने नहीं खाना। ऐसे ही करेंगे, मतलब 2 मिनट वॉर चली। हाँ। फिर फाइनली मैं क्या राजा हूँ। हाँ ऐसे करो, ये राजा फीलिंग चली जाती है, राजा से अपने आप बाकी सब सर्वेंट हो जाएंगे। हाँ, ये अच्छी है, सर्वेंट है, एम्प्लॉईज है, कारोबारी है, सहयोगी है। बोला कर्मेंद्र को सहयोगी बना ले। हाँ सहयोगी बनाओ ना, विघन वाला तो नहीं बनाओ। विघन नहीं बनाओ, एम्प्लॉइज आपको ऑब्स्टेकल ही क्रिएट करते रहे, वो एम्प्लॉय को तो आप निकाल दोगे। सहयोगी बनाओ, जैसे रहता है ऑफिस में जाके कि आप खराब बॉस हो तो सबॉर्डिनेट सब काम लेते हो। हाँ अरे याद रहे कि मैं राजा हूँ। आंखों को बोलो ये देखो ये मत देखो, अब वापस चलेंगे करेंगे हम स्वराज्य अधिकारी वाले। तो बाबा ने कहा है मुझ आत्मा ने आज देखो अभी कैसे है, फिफ्थ टाइम नोट कर रहे हैं ना सभी, अभी समझते हो कि हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ना है। कोई कोई बच्चे लिखते भी है, बाबा को बड़ा अच्छा लगता है मुझ आत्मा ने यह काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बहुत बाबा को याद किया। वोकैबुलरी देखो, वह है सुप्रीम आत्मा नॉलेजफुल, मुझ आत्मा ने आज ये किया। मुझ बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, कई है बहुत अच्छे पुरुषारिति, घर के जो भी मेंबर्स है ना ये ना ये क्या बोलते जो भी नाम है ये आत्मा, इस आत्मा ने मुझे ये बोला, नाम तो बोलेंगे ना ये तो नहीं बोलेंगे। सपोज मुझे बोलना है संदीप आत्मा, बोला संदीप आत्मा ने मुझे ये बोला, वो कष्ट दिया तो भी बोलेंगे। आत्मा जो भी बोलना है ऐसे बोलो, तो मुझ उस आत्मा ने मुझे ये बोला। दीदी जब आत्मा समझे नहीं तो कष्ट थोड़े ना, हाँ वो ड्रामा कल्याणकारी लगेगा। आंसर दे रही आपका। तो बाबा कहते हैं मुझ आत्मा ने आज बहुत याद किया, वो सुप्रीम आत्मा नॉलेज में
मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्य की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में रचता कौन है? इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर कहा जाता है, तो जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य जिसको आत्मा और परमात्मा बाप और परमात्मा बाप याद हो? बाप ही नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, तुम अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े हो। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे ना कि वह दुख हरता सुख करता है, ज्ञान का सागर है, नहीं, यह बाप की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना जो सबका दुख हर कर और सुख देते हैं। सच्चिदानंद का मतलब सिंपल मतलब है, ये कुछ डीप मतलब भी है कि सत्य है चैतन्य अनुसार उनके हिसाब से तो सिर्फ चैतन्य वही सिंपल मीनिंग वही है। उनमें तो सेवन क्वालिटीज ऑफ आत्मा, ये तो यहाँ आके पता चला, वहां नहीं पता था। वहां के लिए इतना है मैं आत्मा हूँ, रज्जु में सर्प में चैतन्य और आनंद स्वरूप। सत्य मीन्स इम्पेरिशेबल और डेफिनेशन नहीं है सत्यता मतलब नहीं। महत्व की मन बुद्धि चित्त अहंकार और आत्मा, ये वो कैपिटल अलग आता है। चित्त मतलब चैतन्यता, चैतन्य वाला है चित्त जो जहाँ पे मन का जो पार्ट है, नहीं चैतन्यता और चित्त। चित्त एक मन को भी बोलते, चित्त वृत्ति योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, पतंजलि योग दर्शन का चित्त बोल, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, चित्त चित्त में बात रख दे, जहां बात चिपक जाती है तब कॉन्शियस माइंड के लिए भी चित्त शक्ति। तो बाबा कहते हैं तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो। एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। अभी तुम फील करते हो, पहले नॉलेज लेते थे कुछ भी नहीं जानते थे, बेबी बेबी में थे, छोटे बच्चे कुछ भी नहीं जानते थे बेबी में। जैसे छोटे बच्चे में कोई नॉलेज नहीं होती है और कोई अवगुण में भी नहीं, अवगुण भी नहीं होता है, इसलिए उनको महिमा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल ही छोटे बच्चे की तरह। जैसे कर्मातीत अवस्था है इनोसेंट, क्यों है बच्चों का अट्रैक्शन हो जाता है, बच्चों में अटैचमेंट होती है, बच्चों के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है व्यक्ति, क्योंकि कर्मातीत अवस्था। फोर्थ हमारा है ना कर्मातीत अवस्था, ये कर्मातीत अवस्था कशिश वाली स्टेज है एकदम, और विशेषकर डिविनिटी वाली जो कर्मातीत अवस्था होगी। तो कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, बच्चों की कर्मातीत अवस्था प्योरिटी, जैसे कुछ नहीं जानते इनोसेंस, काम क्या भूल गए मतलब मन में कुछ नहीं, काम पर्टिकुलरली एक मिनट, चलो आपने क्रोध किया रोया फिर आपने प्यार किया वापस, वैसे जनरली तो ऐसे ही होते हैं। तो बाबा कहते हैं, जितना छोटा बच्चा उतना नंबर वन फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था, कर्म विकर्म को कुछ नहीं जानते, सिर्फ अपने को ही जानते हैं, वो फूल है, इसलिए सबको कशिश करते हैं। जैसे बाबा कशिश करते हैं, बाप आई है तुम सबको फूल बनाने, तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे भी हैं, पांच विकार रूपी कांटे हैं ना, इस समय तुमको फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता है, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है, कहते बहुत तीखा होता है बबूल का काटा, उन काटों में इसे भी बहुत चीजें बनती है। कैक्टस होता है ना, कैक्टस तो है लेकिन बबूल वाला जो होता है वो बहुत तेज होता है। अच्छा, उन काटों से भी बहुत चीजें बनती है, क्या चीजें बनती है काटों से? मेडिसिन होती है ना, जैसे बास्केट्स वगैरह बनते हैं दीदी,
कांटों का जंगल भी होता है। हाँ, भेंट की जाती है ना मनुष्य की, बाप समझाते इस समय बहुत दुख देने वाले मनुष्य कांटे हैं, इसलिए इनको दुख की दुनिया कहा जाता है। कहते भी है बाप सुख दाता है, माया रावण दुख देती है। तो सत्य में माया नहीं होगी तो ये कुछ भी बातें नहीं होगी। ड्रामा में एक पार्ट दो बारी हो नहीं सकता, बुद्धि में है। देखो सत्य में माया होगी नहीं तो ये बातें कुछ भी होगी नहीं। तो हर एक का पार्ट डिफरेंट है ना पूरे ड्रामा में। बुद्धि में है ये सारी दुनिया में जो पार्ट बचता है वह सब नया पार्ट हो तो अच्छा भी तो लगता है ना, सेम ही होगा तो एवरी डे तो नया पार्ट है ना। तुम विचार करो सत्युग से लेकर यहां तक के दिन ही बदल जाते हैं, एक्टिविटी बदल जाती है। आज हम सत्युग की बातें सुनते, खैर हम बच्चों को तो बहुत इजीली कंफर्मेशन है, लेकिन लगता है ना क्या ये दुनिया भी होती है, ऐसा भी दुनिया है। अगर जिनको निश्चय नहीं है कि ऐसे बार्गेन मतलब बार्टर सिस्टम चलेगा, एकदम सच्चे होंगे, किसी ने कोई नया आया नई बहन थी कोर्स किया 5-6 महीने हो गए, तो बाद में फिर मतलब चलती रही ज्ञान में और दूसरे सेंटर पे भी जाती, फिर यहाँ नहीं आई। फिर कुछ कोई प्रोग्राम था तो बुलाया था मुझे, तो फिर बाद में कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, मतलब निस्वार्थ हमारा नेचर होता है, संकल्प ही नहीं चलता कुछ, कोई भी आए कोई ये नहीं कि ऐसा ये होना चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तो उसको यही लगता है कि ऐसे भी कोई लोग होते हैं दुनिया में प्रोफेशनल। हाँ एक बार एक सेंटर पे कन्या को 2 महीने रहना पड़ा, इशू था, तो उन्होंने कभी किसी को बताया, उन्होंने बोला ऐसे भी लोग होते हैं जो तुमको फ्री में सेंटर पे रख रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं। हाँ। और इसी वजह से वो सेंटर पे कोर्स करने भी आई थी। तो फिर वो कहते ऐसे भी, तो ये तो खाली हम सेंटर को ही बात करें, दुनिया ही जब ऐसी होगी निस्वार्थ, अभी तो हम फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन चलता है ना कि पर निस्वार्थ दुनिया ऐसी भी होगी, बिल्कुल पवित्रता काम विकार हो ही नहीं, ऐसी भी दुनिया होगी। तो बाबा कहते हैं माया रावण दुख देता है, तो विचार करो, बाबा कह रहे ना कि यह भी कोई बात समझ नहीं सकते हैं, यह हर आत्मा में पाठ भरा हुआ है, यह एक बात भी कोई नहीं समझते। अभी जानते हैं अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, यह स्कूल है ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई करनी है। इनके पहले जानते थे क्या हमको यह बनना है, बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, तुम पहले नंबर में यह थे, तुम फिर नीचे उतरते उतरते अब क्या बन गए हो, दुनिया को देखो क्या, दुनिया तो देखो क्या बन गई है, कितने ढेर मनुष्य है, इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी का विचार करो क्या होगा, यह जहां रहते होंगे कैसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, विचार करो। बुद्धि में आता है कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे, ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, पानी से द्वारिका निकल आएगी फिर क्या होगा, मतलब पानी में पूरे महल चले गए फिर ऊपर बना बनाया, कभी कभी ब्राह्मण भी समझते कि नीचे से ना पानी से फिर वैसे के वैसे महल ऊपर निकल आएंगे, वो तो चला गया ना, प्रैक्टिकल मैजिकल नहीं है ना कुछ, तो क्या होगा, ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया है, शास्त्र नाम ही चला आता है
तो और कोई रख नहीं सकते। और किताब होते हैं पढ़ाई के। अच्छा, बाबा ने टॉपिक चेंज कर दी तो कैसे निकल आएगा वहां? वहां हीरे जवाहरातों के महल होंगे तो कैसे होगा? बने बनाए मिल जाएंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे। शास्त्रों में आता है ना कि एक रात में विश्वकर्मा ने पूरा वो खांडव जंगल बसा दिया, वैसे होगा। पांडवों के लिए बताते हैं हर कोई, वहां मैजिकल बताना होता है ना, तो एक रात वृक्ष होते हैं खाने पीने के लिए, वैसे फरिश्ता कैसे हो, बस ये सीखो। महल में आने वाले तैयार, वो इंजीनियर अलग से आएंगे, वो लोग करेंगे। वो रेडी है, वो कर रहे हैं अपना काम। तुम तो राजा हो ना, तुम, आपको तो नहीं बनाना है ना, आप तो राजा हो। आपको तो ऑर्डर देना है। तो बाबा कहते हैं, बुद्धि में आता है ना कि अभी हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, वहां हम अपने मकान आदि बनाएंगे। वो भी जरूरी है एक्चुअली। हर कोई को अपने हिसाब से चाहिए होता है, किचन की सेटिंग भी अपने हिसाब से करता है, एक छोटा कमरा की सेटिंग करता है। देवी देवता कैसे किसी के सेटिंग की हुई चीजों में जाएगते रहेंगे? बात तो सही है, है ना। कोई भी एक छोटा सा ना, उसको मतलब एक पढ़ाई का टेबल भी चाहिए होता है ना, उसको वो अपने हिसाब से करना होता है। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में आता है, ऐसे नहीं कि नीचे से द्वारिका निकल आएगी, जैसे शास्त्रों में दिखाया। शास्त्र नाम ही चलाता है, और कोई नाम रख नहीं सकते। और किताब होते पढ़ाई के, दूसरे नवल्स होते, बाकी इनको पुस्तक अथवा शास्त्र कहते, वह है पढ़ाई की किताब। शास्त्र पढ़ने वालों को भगत कहा जाता है। भक्ति और ज्ञान दो चीजें हैं। अब वैराग्य किसका, भक्ति का या ज्ञान का? मतलब ये सीक्वेंस बताते ना, ज्ञान भक्ति वैराग्य। तो जरूर कहेंगे ना भक्ति का, अब तुमको ज्ञान मिल रहा है जिससे तुम इतना उच्च बनते हो। अब बाप तुमको सुखदाई बनाते हैं। सुखदाम को ही स्वर कहा जाता है। सुखदाम में तुम चलने वाले हो तो तुमको ही पढ़ाते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं है, वो तो आत्मा है। फिर आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदु मिश्र है और शांत स्वरूप है, शांति धाम मुक्ति धाम में रहती है। अब बाप समझाते हैं, सब बच्चों का हक है ना। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, वह फिर निकलकर अपने असली धर्म में आ जाएंगे, जो दूसरे दूसरे धर्म में जाएंगे। तो जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं, वह सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे फिर अपनी जगह पर। इसका मतलब जो नए हैं इसको समझाएं, वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपने धर्म में, जो जो नए नए हैं बाबा के बच्चे। बताओ राज भाई, बताओ, जो दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं वो सब पत्ते लौट कर आ जाएंगे अपनी जगह पर। इन सब बातों को और कोई समझ नहीं सकेंगे, पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। इनमें ही सब मुझे पढ़े हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको कौन पढ़ाते हैं? बाप पढ़ाते हैं। कृष्ण तो देहधारी है, इनको दादा, इनको ब्रह्मा को दादा कहेंगे। सब भाई भाई है ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है। यह भी अब तुम जानते हो, आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पाठ बजाने के लिए अंग भी चाहिए ना। देखो कितने बार आत्मा, ये भाई का शरीर है, ये बहन का शरीर है, पहले आत्मा का, तीन कितने स्टेटमेंट्स बताए। तो अब सितारा है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना, फिर यहाँ आकर सितारा की दुनिया ही अलग है, फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती है। वो आत्मा, वो है आत्माओं का घर। आत्मा छोटी बिंदी है, शरीर बड़ी चीज है, तो उनको कितना याद करते हैं।
अभी तुमको याद करना है एक परमपिता परमात्मा को, यही सत्य है। जबकि आत्माओं और परमात्मा का मेला होता है, गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम बाबा से अलग हुए हैं, अलग हुए हैं ना, याद आता है कितना समय अलग हुए हैं? बताओ जी, कितना समय हम अलग हुए बाबा से? में आएगा वो 5,000 साल वाला होगा। तुम कितने समय से अलग रहे? गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हम बाबा से अलग हुए हैं, याद आता है ना कितना समय अलग हुए हैं? बाप जो कल्प कल्प सुनाते आए हैं वही आकर सुनाते हैं। दीदी, फिर तो जो लास्ट में जिसने एक जन्म लिया वो सबसे ज्यादा बाबा के पास है। हाँ, फायदा है, चॉइस है, तो यही करे। हाँ, इसीलिए तो चॉइस है। इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता, सेकंड बाय सेकंड जो एक्ट चलती है वो नहीं, एक सेकंड पास होता है, मिनट पास होता है, उनको जैसे छोड़ते जाते हो, वो गया, वो मिनट गया, छोड़ो, पास होता जाता है, ताकि कहेंगे इतने वर्ष, इतने दिन, मिनट, इतने सेकंड पास कराए, पूरे 5,000 वर्ष होगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा, ऐसे करते करते 5,000 तक चलेगा, फिर एक नंबर से शुरू होगा। कृष्ण ने पहले नंबर में जन्म लिया है, शिव का तो मिनट सेकंड कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं, कृष्ण की तिथि तारीख पूरा लिखा हुआ है, मनुष्य की घड़ी में फर्क पड़ सकता है मिनट सेकंड का, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता, पता भी नहीं पड़ता कि कब आया। देखो, बाबा जब ड्रामा अनुसार आना है तब आएंगे, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया। बाबा कब आया पता है? वो शिवरात्रि का समय था, शिवरात्रि का दिन ही था शायद। निर्वैर भाई बताते हैं कि जब बाबा की फर्स्ट प्रविष्टा हुई थी ब्रह्मा बाबा, तो बाबा कहते हैं कि अंदाज नहीं, हाँ, पता भी नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं कि साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं, अंदाज से कह देते हैं, बाकी ऐसे नहीं उस समय प्रवेश हुआ, साक्षात्कार हुआ कि हम फलाना बनेंगे, साक्षात्कार हुआ था ना कि हम फलाना बनेंगे, लेकिन देखो साक्षात्कार तो बाद में, बाबा को बाद में हुआ ना, फर्स्ट तो बाबा की प्रवेश था, लेकिन तब तो पता ही नहीं था। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लगे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुरुवाणी रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सुखधाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हरकर सुख देना है, कभी भी दुखदाई काटा नहीं बनना है, कभी भी दुखदाई काटा नहीं बनना है। दूसरा है, इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूबल है, वही अमर अविनाशी है, इसलिए अविनाशी चीज से प्यार रखना है, देह का भान मिटा देना है। अच्छा, वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव, एक बल एक भरोसे के आधार पर मंजिल को समीप अनुभव करने वाले हिम्मतवान भव, ऊंची मंजिल पर पहुंचने से पहले आंधी तूफान लगते ही है,
स्टीमर को पार जाने के लिए बीच भंवर से क्रॉस करना ही पड़ता है, इसलिए जल्दी में घबराओ मत, थको व रुको मत, साथी को साथ रखो तो हर मुश्किल सहज हो जाएगी। हिम्मतवान बन, बाप की मदद के पात्र बनो। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो। तो बीच भंवर से सहज निकल आएंगे और मंजिल समीप अनुभव होगी। कितना एक्यूरेट है, हिम्मत के कितना अच्छा वरदान है। तूफान होंगे, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए तूफान, और स्टीमर को भंवर बीच डीप वाटर्स से क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर स्टीमर को इस पार से उस पार जाना है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम ये स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं, रूहानी यात्रा, तो इसमें भी वो आएगा ही। और उसके लिए बाबा ने क्या कहा, साथी को साथ रखो, और दूसरा बाप के मदद के पात्र बनो। साथ रखने के बाद भी मदद बाबा की मिले, और उसके लिए कितना अच्छा वर्ड यूज किया, आप मदद के पात्र बनो और एक बल एक भरोसा रखो। तीन बातें हैं, तो साथ रखो, बाबा भी मदद किसको करेगा, हिम्मत है मदद है, मदद है बाप। हाँ, जो हिम्मत करता है उसको मदद करता है, दूसरा जो मददगार होते हैं उसको मदद करता है। जो समय पर मदद किया उसको बाबा ने, जो हिम्मत रखे उसको मदद, जो पवित्र बनते उसको मदद मिलती है। ये सब है, पात्र बनो स्लोगन है, और तीसरा एक बल एक भरोसा। तो कितना अच्छा सम्मान है, मैं एक बल एक भरोसे वाली हिम्मतवान आत्मा हूं। सिर्फ एक बल एक भरोसा, जो याद में रहते पात्र चाहिए ना, लेकिन उसमें सारे आना चाहिए, पवित्रता भी हो तो हिम्मत भी हो, दृढ़ता भी हो, याद में रहे, लेकिन अगर ये कुछ इसमें से कोई की कमी हो तो। अच्छा, स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अच्छी बात है, विश्व कल्याणकारी वह है जो प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखते हैं। प्रकृति को भी एक्यूज करना, अरे बहुत ठंड है, ये तो जान ले लिया मेरी। कभी कभी हम लोग, मतलब चाहे हम बहुत कैजुअली बोलते हैं उसको, लेकिन प्रकृति को एक्यूज करते हैं, ये वर्ड नहीं है। प्रकृति सहित हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, क्या करें फिर, बहुत ठंड है, क्या सोचे, और आने दे ठंड, कोई बात नहीं, थैंक यू, एंजॉय करो प्रकृति का, धन्यवाद, और आने दे प्रकृति जी, तो सिंपल बहुत अच्छा। कल भाई रात को शाम को नींद आ रही थी, तो बस ये वो निद्रा जीत आत्मा। हाँ, निद्रा जीत ऐसे कर, प्रकृति जीत, हाँ प्रकृति आएगी, बॉलिंग बॉलर अच्छा वाला बॉलिंग करेगा तो फिर। अच्छा, आज का पुरुषार्थ देखो, आज